अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आई हूँ देसी किचन में। देखें, आप देख सकते हैं कि आज मैं क्या बना रही हूँ। देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं बना रही हूँ आलू मोंगरे और चिकन। और ये देखें, बड़ी मैंने छोटा सा किचन बनाया है। बहुत दिल कर रहा था ऐसे हंडी हाँ जो आग लगाई हुई है मैंने काम और काम उसके बाद मेरे डोरी में ये बोलते हैं इसको लहसुन अदरक और सब्ज प्याज मैंने इसको अच्छे तरीके से मसाला बनाया। और मेरे पास लाइट की बातें कर रहा था, मैं भी आपके साथ लग जाएंगे। तो फिर मैं इधर मजे से खाना बना रही थी, उधर मेरी हांडी ये मसाला भून रहा था। मैंने डाला हुआ था और खाना बना था। आप भी कमेंट में बताना कि मेरा ये देसी माहौल आपको कैसा लगा। मैं मम्मी की तरफ गई हुई थी तो गांव में, तो उधर फिर मेरा दिल किया कि मैंने छत पे छोटा सा वो बनाया। अब मैंने इसमें ये चीज़ें ऐड करनी है, मिक्स सब्ज़ी है, मटर, आलू और मोंगरे, इसमें मैंने ये मिक्स कर दिए। और ये देखिए, मैं इसको मसलसल से इतना मज़े का बना था। और मैंने मसाला भी इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद हांडी जो थी मैं हिल रही थी, लेकिन ये अपना किचन सारा सेटअप सेट करना है ना, तो इसलिए मैंने ये फिर मैंने लकड़ी लगाई आग। और इतना मज़ा आ रहा था बनाते हुए। और इब्राहिम कह रहा था, मम्मा आप तो जीनियस हो। फिर मैंने हरी मिर्च इसमें डाली, हरी मिर्च डाल के, और फिर मैंने इसमें नमक डाला, मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने ऐड किया। इब्राहिम मुझे पारी कर रहा था कि मम्मा बहुत अच्छी लग रही हो खाना बनाती हुई। तो हल्की सी मैंने इसमें हल्दी ऐड की, ज़ीरा ऐड किया, और फिर इसके बाद मैंने डब्बे साइड पर रख दिए। तो फिर उसके बाद मैंने इसको ना मुसलसल चलाया, और इसी मैंने इसमें ना पानी ऐड नहीं किया। मैंने इसका ऑयल था ना, उसी में भाप हम बनाते हैं रेसिपी। ये आलू मोगरे मटर साथ चिकन है, ब्राड की कमाई से ये देखिए, अब ये भुनाई पे है और आहिस्ता आहिस्ता पकेगा। और उसके बाद हम ये सिर्फ भाप में बनेगा, 10-15 मिनट हल्की मज़ा आएगा, ये ना बनेगा खुद ही। इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, आप माशाल्लाह से खुद देख लें। और ये इसको सिर्फ भाप में ही बनना है। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरा देसी किचन कैसा लगा। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये देखिए, इधर मैं सलाद बना रही हूँ, यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है। ये बारी का ये देखिए, फसल नजर आ रही है, और इब्राहिम भी देख रहा है कि मामा ये देखे कितना खूबसूरत लग रहा है ढलता हुआ सूरज। वो देखिए ढलता हुआ सूरज इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ खड़े होकर। कितना जबरदस्त है ये वाला व्यू, मुझे बहुत ही पसंद है, इतना पसंद है। यहाँ जब भी मैं शाम होती है ना, तो ऊपर मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो अब तो मेरा इधर किचन बन गया, और अब तो ये मैं रोज नजारा देखने जा रहा था नीचे। जब इधर आया करूँगी गाँव में, तो मैं हर बात करते हैं खीरे की, खीरा अच्छा होता है। वैसे भी मेरे इतने यम्मी के होते हैं, मेरे पीपी हाई का मसला है ना, तो मुझे डॉक्टर ने बताया हुआ सलाद का इस्तेमाल किया करें आप दिन में एक से दो दफा। तो वैसे भी अब मौसम तब्दील होने वाला है, शाम खीरे का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये पीपी हाई का बंद गोभी वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने सलाद काटी, उठा लो खानी है तो। इब्राहिम मेरे पास बैठा हुआ था, मुझे कह रहा था पहले मामा मुझे चेक करा दो। मैंने कहा चलो उठा लो, फिर उसने एक साथ ही दो तीन उठा लिए। तो फिर उसके बाद मैंने हांडी को उतारा नीचे, और फिर मैंने प्लेट में डाला। ये देखें, ये जो हांडी का ये ढक्कन है ना, ये गर्म नहीं होता, तो मैंने इसको उठाया। तो फिर ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है इसकी, इतने मज़े का लग रहा था। फिर मैंने इसको प्लेट में डाला। और आप लोगों को कैसा लगा मेरी ये रेसिपी, और मेरा बनाना किचन देसी माहौल में
देसी माहौल का, तो मुझे दुआ में याद रखना चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। और ये देखें, ये सिस्टर ने बनाए हैं और ये साथ में मेरी सिस्टर ने बनाए हुए थे वो चिकन के ना, वो कबाब भी बहुत मजे के। कैसी लगी रेसिपी आप लोगों को हमने कमेंट ब्लॉग में, और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। किस किस को ये रेसिपी पसंद आई ज़रूर कॉमेंट में।